हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रमन सेठी और हम नाइन्थ क्लास की साइंस का चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है टिश्यू। तो अभी तक हमने परमानेंट टिश्यू का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और जिसके अंदर हमने पिछली दो क्लासेस में अपना पढ़ चुके हैं। एक हम पढ़ चुके थे सिंपल परमानेंट टिश्यू और उसके सारे टाइप स्टडी किए थे एक लेक्चर में हमने, और उसकी नेक्स्ट क्लास में हमने प्रोटेक्टिव टिश्यू डिस्कस किया था जिसमें हमने एपिडर्मिस और कोर्क के बारे में पढ़ा था। तो अब हम परमानेंट टिश्यू का ही नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो एक कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है तो इसको स्टडी करते हैं और इसके टाइप क्या क्या होंगे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन, तो इट इज़ अ टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स विच वर्क टुगेदर एज ए यूनिट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। कि कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है कि इसमें दो एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स होती है और लेकिन वो सारी की सारी सेल्स कंबाइन होकर एक यूनिट बना लेती है, एक कंबाइन हो जाती है और मिलकर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, तो उसको हम बोलते हैं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में बेसिक डिफरेंस यहीं से आता है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में मैंने बोला था कि जितनी भी सेल्स होगी सारी की सारी एक जैसे टाइप की होगी, इसलिए उसको सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स होगी वो एक से ज़्यादा टाइप की होगी और मिलकर लेकिन काम एक ही परफॉर्म करेगी, तो इसलिए उसको कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो इट इज़ मोस्टली रिलेटेड विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड मिनरल्स। तो जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो मेनली क्या काम कर सकता है, ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। किस चीज़ की? ऑर्गेनिक मटेरियल्स की, न्यूट्रिएंट, वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंडक्टिंग और वैस्कुलर टिश्यू। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम कंडक्टिंग टिश्यू या फिर वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। तो देर आर टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्स टिश्यूज, जाइलम और वुड एंड फ्लोएम और बास्ट। तो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बेसिकली दो टाइप का होता है, एक जाइलम टिश्यू, दूसरा फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू को हम वुड भी बोलते हैं, फ्लोएम टिश्यू को बास्ट भी बोला जाता है। बोथ ऑफ दीज टूगेदर फॉर्म वेस्क्यूलर बंडल्स और कंडक्टिंग टिश्यू। तो ये दोनों टिश्यू जब कंबाइन हो जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम, तो इनको कंबाइंड फॉर्म में वेस्क्यूलर बंडल्स या फिर कंडक्टिंग टिश्यूज बोला जाता है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जाइलम टिश्यू क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज वुड एंड इज वेस्क्यूलर टिश्यू। इट इज अ टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ओके, तो जाइलम टिश्यू को वुड भी बोला जाता है, एक वेस्क्यूलर टिश्यू है, मतलब कंडक्शन करने में हेल्प करता है। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या काम करता है कि वाटर और मिनरल्स को सोयल से अब्जॉर्ब करके एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, एरियल पार्ट्स मतलब प्लांट्स के लीव्स और स्टेम्स में पहुँचाने का काम करता है। और अब्जॉर्ब कहाँ से करता है वाटर एंड मिनरल्स? सोयल से अब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ रूट्स। ओके, अब जो जाइलम टिश्यू होता है उसके चार बेसिक टाइप के एलिमेंट्स हैं, या ये कह सकते हो कि जाइलम टिश्यू के अंदर चार अलग अलग तरह की सेल्स होती है जिनको बोलते हैं ट्रैचिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो इनके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं एक एक करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रैचिड्स होती है, ये ट्यूबलाइक सेल्स है, बिलोंग सेल्स हैं जिनमें ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो दे आर अलोंगेटेड, लंबी होती है, डेड सेल्स होती है विद टेपरिंग एंड्स, और इनके एंड पॉइंट जो होते हैं टेपरिंग होते हैं, मतलब किनारों से ये तिरछी होती है। देन थर्ड, द वॉल्स ऑफ द ट्रैचिड्स आर थिक एंड हार्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। कि ट्रैचिड्स टिश्यू की, जो जाइलम टिश्यू की जो ट्रैचिड वाली सेल हैं वो सेल्स थिक और हार्ड होती है क्योंकि उसके ऊपर लिग्निन नाम की केमिकल की डिपोजिशन होती है। तो द ट्रैचिड्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर एंड फॉर्म अ लॉन्ग रो ऑफ सेल्स। कि ट्रैचिड्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर रखी होती है और मिलकर एक लंबी रो बनाती है सेल्स की। दे हैव ब्रॉड ल्यूमन, ल्यूमन मतलब किस इनके अंदर से निकलने का रास्ता, जिस तरह से पानी की पाइप होती है तो जिस पोर्शन में से पानी निकल सकता है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं। तो उसी तरह से जो ट्रैचिड्स की जो सेल्स हैं वो उनका ल्यूमन लंबा होता है, चौड़ा होता है, मतलब ज़्यादा वाइड माउथड होती है ये। द एंड वॉल्स हैव ब्रॉडेड पिट्स एंड रिमेन इंटैक्ट। जो ट्रैचिड की एंड पॉइंट्स पे जो वॉल्स होती है वो उस पर बड़े बड़े बॉर्डर्ड पिट्स, मतलब किनारों पे खड्डे होते हैं और जो एज इट इज रहते हैं वो भरते नहीं हैं खड्डे। दे आर मेनली इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन जिम्नोस्पर्म्स एंड गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल्स। तो उसके अलावा जो ट्रैचिड्स हैं वो वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करवाने में, मतलब ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर। जिम्नोस्पर्म एक टाइप के प्लांट्स हैं और
एंड गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, और सेल्स को सहारा भी प्रोवाइड करती है। देन वेसल्स की बात करें तो वेसल्स आर सिलेंड्रिकल ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स प्लेस्ड वन अबव द अदर एंड टू एंड विच फॉर्म्स अ कंटिन्यूस चैनल फॉर एफिशिएंट कंडक्शन ऑफ वाटर। कि वेसल जो होती है सिलेंड्रिकल ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स हैं और जो एक दूसरे के ऊपर ऊपर रखी होती है, मिलकर एक लंबी ट्यूब बनाते हैं जिसको हम चैनल भी बोल लेते हैं। वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करने में एक लॉन्ग ट्यूब या लॉन्ग चैनल प्रोवाइड करते हैं हमें वेसल्स। तो देयर एंड वॉल्स हैव परफोरेशन, और वेसल्स की एंड वॉल्स पे मतलब किनारों पे जो वॉल्स हैं उन पे परफोरेशन मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं। दीज आर डेड सेल्स। तो वेसल्स की सेल्स भी जो डेड सेल्स होती है, दे मेनली कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। तो वेसल जो है वाटर और मिनरल को कंडक्ट करती है, ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करती है। तो वेसल्स आर जनरली फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स बट एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दो टाइप के प्लांट्स होते हैं। तो एंजियोस्पर्म के प्लांट्स जो होते हैं उन प्लांट्स के अंदर वेसल्स पाई जाती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म टाइप के जो प्लांट्स हैं उनके अंदर वेसल्स नहीं पाई जाती। देन जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो दे आर लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल्स विद थिन सेल वॉल्स। कि जाइलम पैरेन्काइमा के अंदर पैरेन्काइमा जो टिश्यू आपने पहले पढ़ा था, सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो टाइप था, तो वो पैरेन्काइमा वाली सेल्स होती है और उनकी जो वॉल्स हैं वो थिन होती है, पतली होती है। दे मेनली स्टोर फूड। जो जाइलम पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या है कि वो फूड को या ये कह लो कि स्टार्च को स्टोर करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर, और उसके अलावा वाटर को साइड्स में फैलाने में, कंडक्ट करवाने में हेल्प करता है। जो जाइलम वेसल्स है वो तो क्या करती थी, वाटर को ऊपर की तरफ ले जाने का काम करती थी, और जो जाइलम पैरेन्काइमा वाटर को साइड्स में बिखेरेगा। देन जाइलम फाइबर या जाइलम स्लेरेन्काइमा भी बोला जाता है इसको, लास्ट पार्ट है जाइलम टिश्यू का। तो दीज आर नॉन लिविंग फाइबर्स विद लॉन्ग नैरो टेपरिंग स्लेरेन्काइमा सेल्स विद लिग्निफाइड सेल वॉल। तो जाइलम फाइबर की जो सेल्स होती है वो लंबी होती है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स में होती है, नैरो भी होती है मतलब उनका जो बीच का स्पेस है वो कम होता है, और टेपरिंग, टेपरिंग मतलब किनारों से तिरछी होती है, तिखी होती है। और स्लेरेन्काइमा टाइप के टिश्यू की जो सेल्स हैं वो सेल्स इसके अंदर होती है जिसके अंदर लिग्निफाइड सेल वॉल मतलब इसकी सेल वॉल लिग्निन नाम के केमिकल से बनी होती है। दे हैव थिक पिटेड वॉल्स एंड नैरो ल्यूमन। अब इनकी वॉल्स जो है मोटी होती है लेकिन उनमें पिट्स मतलब खड्डे होते हैं, और ल्यूमन मतलब जो अभी बताया था ल्यूमन आपको क्या होता है कि बीच का रास्ता, तो इन सेल्स के बीच का जो रास्ता है वो छोटा होता है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट बॉडी। कि जाइलम फाइबर की जो सेल्स है प्लांट्स की बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट मतलब मजबूती प्रोवाइड करती है, सहारा देती है। अब नॉट एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, ऑल अदर जाइलम एलिमेंट्स आर डेड। कि जाइलम पैरेन्काइमा जो हमने पढ़ा था, हमने चार टाइप के सेल्स पढ़ी हैं जाइलम टिश्यू के अंदर, कौन कौन सी, ट्रैचिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो जिस इन चारों के अंदर जो जाइलम पैरेन्काइमा है सिर्फ वही लिविंग सेल से बना है, बाकी सारी जो सेल्स हैं बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं जाइलम टिश्यू के वो सारे डेड होते हैं। अब जाइलम टिश्यू के फंक्शंस की बात करें तो क्या है, इट हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। कि वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करके, रूट्स से अब्जॉर्ब करके प्लांट के एरियल पार्ट्स मतलब जो अपर पोर्शंस हैं, लीव्स हो गए और स्टेम्स होगी, ब्रांचेस होगी, वहाँ तक वाटर और मिनरल्स को पहुँचाता है। देन सेकंड, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। कि प्लांट्स की बॉडी को मजबूती देता है। देन थर्ड, जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर फूड। जो जाइलम टिश्यू के अंदर जाइलम पैरेन्काइमा था वो फूड को स्टोर करने का काम करता है। तो इस तरह से हमारा जाइलम टिश्यू जो था एक कंडक्टिंग टिश्यू है, इसको हमने कम्प्लीटली स्टडी कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है फ्लोएम। अब फ्लोएम टिश्यू क्या होता है, इट इज़ अ टिश्यू विच इज़ यूज्ड इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ग्रीन एंड स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स टू अदर ऑर्गन्स। कि ये वो टिश्यू है जो प्लांट के ग्रीन्स और स्टोरेज ऑर्गन्स हैं जहाँ पर फूड स्टोर हो सकता है, वहाँ से फूड के प्रोडक्ट्स, फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स को अलग अलग जगह तक पहुँचाने का काम करता है, और फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कराना ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहलाता है। देन फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ फोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। फ्लोएम टिश्यू के अंदर चार तरह के एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट वन इज़ सीव ट्यूब्स, देन सेकंड कंपेनियन सेल, थर्ड फ्लोएम फाइबर्स और जिसको बास्ट फाइबर भी बोला जाता है, देन फोर्थ फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब सीव ट्यूब्स सबसे पहले क्या होती है, द सीव ट्यूब्स आर लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स लाइक सेल्स मेड अप ऑफ अलोंगेटेड थिन वॉल्ड सेल्स प्लेस्ड वन अबव द अदर फॉर्मिंग ए कंटिन्यूस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कि सीव ट्यूब्स एक लंबी सेल्स होती है जो एक दूसरे के साथ साथ जुड़कर एक कंटिन्यूस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और
इनकी सेल वॉल जो होती है वो पतली होती है। द एंड वॉल्स ऑफ सीव ट्यूब्स सेल्स आर परफोरेटेड बाई न्यूमरस पोर्स कोल्ड एज सी प्लेट्स। तो जो सीव ट्यूब की जो एंड वॉल्स होती है, जो किनारों पे जो वॉल्स होती है, उनके अंदर परफोरेशन होती है। परफोरेशन में तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं काफ़ी काउंटिंग के अंदर, जिनको सी प्लेट्स भी बोला जाता है। दैन थर्ड, साइटोप्लाज्म ऑफ वन सीव ट्यूब एलिमेंट इज कंटिन्यूस विद एडजेसेंट सीव ट्यूब सेल्स थ्रू द पोर्स ऑफ द सीव प्लेट्स। कि एक सीव ट्यूब एलिमेंट जो है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो कंटिन्यूस होता है विद एडजेसेंट सीव ट्यूब सेल्स। मतलब एक सेल का साइटोप्लाज्म अपने साथ वाली सेल्स के साइटोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूटी में होता है, क्योंकि उनके बीच में पोर्स होते हैं। पोर्स की हेल्प से साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरी सेल में मूव करता रहता है। देन फोर्थ, मैच्योर सीव सेल्स डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस बट दे रिमेन लाइव ड्यू टू द डिपेंडेंस ऑन एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स। कि जब सीव सेल्स मैच्योर हो जाती है तो उनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस उसमें ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो लिविंग सेल्स रहती है, क्योंकि वो डिपेंड करती है कि जो उसके साथ कंपेनियन सेल्स होगी, कंपेनियन सेल की हेल्प से वो अपने आप को सर्वाइव करवा लेती है विदाउट न्यूक्लियस के वजह, विदाउट न्यूक्लियस होने के बावजूद भी। देन सेकंड एलिमेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू इज कंपेनियन सेल। अब कंपेनियन सेल क्या होती है? दे आर यूजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स एंड आर लिविंग सेल्स। अब कंपेनियन का मतलब क्या होता है? फ्रेंड, साथी कोई। तो कंपेनियन सेल सीव ट्यूब के साथ अटैच होती है हमेशा, और लिविंग सेल्स होती है। दीज द सेल्स आर स्मॉल थिन वॉल्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज एलोंगेटेड न्यूक्लियस। तो जो कंपेनियन सेल्स हैं वो छोटी होती है, इनकी वॉल्स जो पतली होती है, और इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, गाढ़ा होता है, और इनके अंदर न्यूक्लियस बड़ा और लंबा न्यूक्लियस पाया जाता है। देन थर्ड, फ्लोएम फाइबर जिसको बास्ट फाइबर भी बोलते हैं, इसका क्या, ये क्या करता है? डेड थिक वॉल्ड अलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड स्लैमकाइमाइटस फाइबर्स प्रेजेंट इन द फ्लोएम आर कॉल्ड फ्लोएम फाइबर। कि जो डेड सेल से बना हुआ है, इसकी सेल्स थिक वॉल वाली होती है, एलोंगेटेड लंबी होती है, स्पिंडल शेप की होती है, मतलब बीच में से मोटी और किनारों से पतली होती है, स्लैमकाइमा टिश्यू की बनी होती है जो कि फ्लोएम टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसको क्या बोला जाता है? फ्लोएम फाइबर्स। दे गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ थ्रू प्लांट्स। प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब मजबूती प्रोवाइड करती है। देन फोर्थ पार्ट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो दिस थिन वॉल्ड लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट इन द फ्लोएम आर कॉल्ड फ्लोएम पैरेन्काइमा। कि फ्लोएम टिश्यू के अंदर पतली वॉल वाली पैरेन्काइमा सेल्स जो पाई जाती है उसको फ्लोएम पैरेन्काइमा बोला जाता है। दिस स्टोर फूड एंड हेल्प इन रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड। तो ये क्या करती है फ्लोएम पैरेन्काइमा? क्या करता है? एक तो फूड को स्टोर करने का काम करता है, उसके अलावा फूड को रेडियली, रेडियली मतलब साइड्स में फूड को ट्रांसपोर्ट करने में, कंडक्ट करने में हेल्प करता है। अब नोट में क्या लिखा है? इन फ्लोएम एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर और स्लैरेन्काइमा ऑल एलिमेंट्स आर लिविंग। कि फ्लोएम टिश्यू के अंदर जो फ्लोएम फाइबर वाला जो पार्ट है, जो एलिमेंट है, वो डेड सेल से बना होता है, और उसके अलावा बाकी जितने भी पार्ट्स हमने बोले हैं, जितने भी एलिमेंट्स हमने फ्लोएम फाइबर फ्लोएम टिश्यू के बोले हैं, वो सारे के सारे लिविंग सेल से बने होते हैं। एंड देन फंक्शंस ऑफ फ्लोएम की बात करें, द मेन फंक्शन इज द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। कि फ्लोएम टिश्यू फूड को ट्रांसलोकेट करता है, मतलब वन पार्ट टू अनदर पार्ट, यानी कि मेनली लीव से या ग्रीन पार्ट्स जो भी हैं वहाँ से दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शंस में। तो बेस्ट बास्ट फाइबर्स और फ्लोएम फाइबर ऑफ सम प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ कमर्शियल फाइबर लाइक जूट, हेम्प एंड फ्लैक्स। उसके अलावा जो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर भी जिसको बोला जाता है, उससे कमर्शियल फाइबर बनते हैं, जैसे कि जूट, हेम्प और फ्लैक्स, जो कि अलग अलग तरह के फाइबर्स हैं, उनके फाइबर लेने के लिए भी काम आता है। यानी कि अभी आपको डायग्राम शो किए हैं, तो जाइलम टिश्यू के तीन पार्ट्स शो किए हैं। जाइलम टिश्यू के अंदर ट्रैचिड्स कैसी होती हैं, वेसल कैसी होती है, और जाइलम फाइबर पैरेन्काइमा कैसा है। जाइलम फाइबर आपको यहाँ नहीं दिखाया। इसी तरह से ये फ्लोएम टिश्यू का डायग्राम दिखाया गया। फ्लोएम टिश्यू के अंदर बीच में सीव ट्यूब दिखाई गई है, जो लॉन्ग वाइट पोर्शन में नज़र आ रही है। उसके ऊपर सीव प्लेट्स हैं जिनके अंदर परफोरेशन मतलब छोटे छोटे होल्स हैं। देन फ्लोएम पैरेन्काइमा और कंपेनियन सेल्स आपको साथ में दिखाई गई है। अब जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के अंदर डिफरेंस स्टडी कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। तो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के अंदर डिफरेंस, सबसे पहले तो कंडक्शन के मामले में क्या डिफरेंस है।
जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स बट फ्लोएम कंडक्ट ऑर्गेनिक फूड। जाइलम टिश्यू वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम टिश्यू फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात करें तो जाइलम कंडक्शन अक्कर इन ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन, डेट इज फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम्स एंड लीव्स। कि जाइलम टिश्यू के अंदर जो वाटर की कंडक्शन है सिर्फ रूट से स्टेम्स और लीव्स की तरफ ही होगी, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ही होगी, लेकिन फ्लोएम टिश्यू के अंदर जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शंस में होगी। देन कंपोनेंट्स की बात करें तो जाइलम टिश्यू के अंदर चार टाइप के कंपोनेंट्स, चार तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन सी? ट्रैचीट्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर एंड जाइलम वेसल्स। लेकिन फ्लोएम फाइबर की बात करें तो फ्लोएम फाइबर के अंदर भी चार तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन वो कौन कौन सी हैं? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके, देन सेल्स की बात करें कि सेल्स लिविंग होती है या डेड होती है, तो जाइलम टिश्यू के अंदर जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर बाकी जितने भी तीन टाइप की सेल्स हैं वो सारी की सारी डेड होती है। और फ्लोएम टिश्यू की बात करें तो फ्लोएम टिश्यू के अंदर फ्लोएम फाइबर को छोड़कर जितने भी टाइप की सेल्स होती है वो सारी की सारी लिविंग होती है, ओनली फ्लोएम फाइबर की सेल्स डेड होती है। अब मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो जाइलम टिश्यू मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, लेकिन फ्लोएम फाइबर जो फ्लोएम टिश्यू है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट के पार्ट्स को नहीं प्रोवाइड करता। देन कंडक्टिंग चैनल्स की बात करें तो कंडक्टिंग चैनल्स आर ट्रैचीट्स एंड वेसल्स। कंडक्टिंग चैनल्स मतलब जिनकी वजह से कंडक्शन होती है, किस चीज़ की कंडक्शन करानी है? जाइलम टिश्यू के अंदर वाटर एंड मिनरल्स की कंडक्शन करानी है, वो ट्रैचीट और वेसल की वजह से होती है। लेकिन फ्लोएम फाइबर की बात करें, फ्लोएम टिश्यू की बात करें तो फ्लोएम टिश्यू के अंदर कंडक्शन किस चीज़ की होनी थी? फूड की होनी थी, और वो किस चीज़ से होती है? सीव ट्यूब वाले एलिमेंट जो हैं उनकी हेल्प से होती है। अब सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल कितनी थिक होती है? जाइलम टिश्यू के अंदर सेल वॉल थिक होती है और फ्लोएम टिश्यू के अंदर सेल वॉल थिन होती है। अच्छा जी, सेल वॉल या मटेरियल की बात करें, सेल वॉल किस मटेरियल से बना होता है? तो जाइलम टिश्यू की सेल वॉल का जो मटेरियल है वो लिग्निन होता है। लिग्निन नाम की केमिकल से जाइलम टिश्यू की सेल्स बनी होती है, सेल वॉल बनी होती है, और फ्लोएम टिश्यू की सेल की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो ओके, अब हमने जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू क्या होते हैं ये भी स्टडी कर लिया, और जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू में डिफरेंसेस भी स्टडी कर लिया, और इसके साथ साथ ही हमारा प्लांट टिश्यू का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। प्लांट टिश्यू में हमने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग से, तो सबसे पहले हमने स्टडी किया था कि मेरिस्टमैटिक टिश्यू क्या होते हैं। अब मेरिस्टमैटिक टिश्यू हमने बोला था कि डिवाइडिंग टिश्यू भी कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर डिवाइड करने की एबिलिटी होती है, एक सेल से नई सेल बन सकती है, और प्लांट के जो डिवाइडिंग पार्ट्स हैं मतलब जहाँ पर ग्रोथ होनी होती है उन लोकेशंस पर पाया जाता है। देन हमने स्टार्ट किया था परमानेंट टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू के अंदर हमने बोला था कि फिक्स शेप, साइज और फंक्शंस होते हैं, और परमानेंट टिश्यू के हमने टाइप पढ़ने शुरू किए थे। सबसे पहला टाइप था सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसके अंदर हमने पढ़ा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्लेरेन्काइमा। उसके बाद हमने प्रोटेक्टिव टिश्यू पढ़ा, उसके अंदर हमारा टॉपिक्स आए थे एपिडर्मिस और कॉर्क। और आज हमने स्टडी किया है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसके अंदर हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा? जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। ओके, तो हमारा इस तरह से प्लांट टिश्यू का टॉपिक जो है कम्प्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक के टॉपिक अच्छी तरह से समझ आए होंगे। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एनिमल टिश्यू का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।